चाय पियेंगे आप लोग? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर आज मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं चाय का जिक्र कर रही हूँ। तो फिलहाल आपको बता दूं कि बहुत सारे संजीदा टॉपिक्स के बाद मैंने सोचा कि कुछ लाइट टॉपिक को चुना जाए, तो मैंने चुना मेरी पसंदीदा चीज़, चाय। जी हाँ, चाय। चाय मुझे बड़ी पसंद है। व्हाट अबाउट यू? मैं जानती हूँ इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें चाय पीना बहुत पसंद है, और आई कैन रिलेट। और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों के मुंह में आज पानी ज़रूर आएगा। सो फिलहाल गेट रेडी और एक चाय का कप ज़रूर बना के लाइए, बिकॉज चाय के बारे में बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी अनसुने फैक्ट्स टी लवर्स के लिए टी के बारे में होंगे। तो फिलहाल आई एम एंजॉयिंग माई टी, आई होप आप भी मेरे साथ चाय एंजॉय करते हुए इस एपिसोड को देखेंगे। सो चीयर्स। क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला बेवरेज वाटर है? लेकिन पानी के बाद जो चीज दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है वो कौन सी है? वो है चाय। हिस्ट्री ऑफ चाय। वैसे अगर हिस्ट्री के पेजेस को पलट कर देखा जाए तो चाय का ओरिजिन चाइना में हुआ था। अगर लेजेंड्स की मानी जाए तो साल 2737 BC में पहली बार चाय को चाइना के एम्परर शान नोंग ने पिया था। जब एक बार वो अपने आंगन में बैठकर रोज की तरह गर्म पानी पी रहे थे, तभी उनके पानी में एक पत्ती आकर गिर गई, जिससे कि उनके पानी का कलर चेंज हो गया। और जब उन्होंने इस पानी को पीकर देखा तो उन्हें उसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। लेजेंड्स के मुताबिक चाय के सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन अगर बात करें क्रेडिबल सोर्सेज की, तो चाय का ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें 220 AD के हुआ टुओ के मेडिकल टेक्स्ट में मिला, जिसमें उन्होंने चाय को एक मेडिसिन कहकर डिफाइन किया। लेकिन चाय को एक बेवरेज की तरह पीने का रेफरेंस सबसे पहले हमें 3rd century AD में चीन में ही देखने को मिलता है। उसके बाद तो चाय यहाँ पर इतनी ज्यादा पिए जाने लगी कि चाइना की टांग डायनेस्टी ने तो चाय को चाइना के नेशनल ड्रिंक के तौर पर ही अनाउंस कर दिया। इसके बाद चाय को और भी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए तो लुयू नाम के एक राइटर ने तो चाय के ऊपर एक पूरी की पूरी किताब लिख डाली थी। इस बुक के मशहूर होते ही कुछ जापान बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो कि चाइना में पढ़ाई करने गए हुए थे, वो भी चाइना से चाय को जापान ले गए थे, जिससे कि चाय जापान के एम्परर्स और अपर क्लास में भी बहुत ज्यादा पसंद की जाने लगी। और मुरुमाची पीरियड के आते आते टी जापान में भी सब लोगों के बीच बहुत मशहूर हो चुकी थी। जापान में चाय की दीवान की इतनी ज्यादा बड़ी कि वहाँ पर टी सेरेमनीज भी सेलिब्रेट की जाने लगी। जापानीज टी सेरेमनी एक ओकेजन है जिसमें कि टी सेरेमनी करने वाला होस्ट अपने गेस्ट के सामने ही टी को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ प्रिपेयर करता है। इस टी सेरेमनी में आने वाले गेस्ट्स को ड्रेस कोड के साथ और भी रूल्स का पालन करना पड़ता है, जैसे कि चाय पीने वाले गेस्ट को सेरेमनी के दौरान पांव मोड़कर बैठना होता है। साथ ही में टी प्रिपेयर करने के साथ साथ उसको पीने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। जापान में तो टी सेरेमनी सिखाने के लिए कुछ स्कूल्स भी अवेलेबल है। साथ ही में जापानीज टी सेरेमनीज में जाना और उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करना यहाँ पर जाने वाले टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। टी इन यूरोपियन कल्चर। बात करें यूरोप की तो मिड 17th century तक यूरोप में कोई भी टी के बारे में नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही कुछ पोर्टुगीज और यूरोपियन ट्रेडर्स चाइना पहुंचे तो उन्हें चाय एज अ ड्रिंक इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने इसको यूरोपियन और पोर्टुगीज मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मेनली यूरोप में चाय इतनी ज्यादा इसलिए मशहूर हुई क्योंकि यूरोप में सर्दी ज्यादा रहती है, और चाय जैसी ड्रिंक जिसको कि ज्यादातर गर्म ही पिया जाता था वहाँ पर तो चाय को हिट होना ही था। इसीलिए यहाँ पर ग्रीन टी से ज्यादा ब्लैक टी को पसंद किया गया क्योंकि यूरोप ही था जहाँ पर चाय में दूध को मिलाकर पिया जाता था। चाय के पॉपुलर होने के साथ साथ चाइना का वेस्ट के साथ ट्रेड और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। 19th century तक चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स में सबसे डिजायरेबल आइटम चाय ही थी। चाय के मार्केट में चाइना की पूरी तरह से मोनोपोली थी। लेकिन चाइना की इस मोनोपोली को यूरोपियंस खत्म करना चाहते थे क्योंकि चाय यूरोपियंस की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी थी। इसीलिए यूरोपियंस और भी जगह चाय को एक्सप्लोर करने लगे। टी कल्चर इन इंडिया। बात करें इंडिया की तो हमारी आयुर्वेदिक बुक्स में भी चाय की पत्तियों का मेडिसिन के रूप में यूज का रेफरेंस मिलता है। साथ ही में असम के कुछ ट्राइबल लोग तो काफी पहले से चाय की पत्तियों को उबालकर उसको पिया करते थे। लेकिन साल 1815 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर की नजर असम की उन टी बुशेस पर पड़ती है, जिसके बाद इंडिया में बेवरेज का मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है क्योंकि उसके बाद लॉर्ड बेंटनिक
जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे, वो 1834 में इंडिया में चाय के प्रोडक्शन के लिए एक कमेटी बनाते हैं, जिससे कि वो चाय की मार्केट में चाइना की मोनोपोली पर कुछ लगाम लगा सके। चाय पीते हुए आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर चाय को इंडिया में ब्रिटिशर्स 1834 में लाए थे, तो उससे पहले आम इंडियन ब्रेकफास्ट में लोग क्या लिया करते थे। चाय के पहले इंडिया के लोग भी ब्रेकफास्ट में कुछ गर्म चीज ही लेना प्रेफर करते थे, और ब्रेकफास्ट हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए इंडिया में सुबह सुबह बेवरेज के तौर पर गर्म दूध और उसके साथ मोस्टली डबल रोटी खाई जाती थी। इंडिया में अब भी स्कूल जाते वक्त बच्चों को एक ग्लास दूध जरूर दिया जाता है। इसके बाद साल 1835 में असम में टी के गार्डन प्लांट कर दिए गए। इसके बाद आने वाले सालों में इंडिया चाय के टॉप कंज्यूमर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक बन गया। साथ ही में हम इंडियंस ने चाय के साथ अपनी स्पेशल रेसिपी भी क्रिएट की, जिसको हम मसाला चाय कहते हैं, और इसके फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं, जहां पर हम मसाला चाय में हर्ब्स जैसे कि अदरक और इलायची को बिल्कुल स्क्रैच से डाला जाता है। चाय के मामले में कौन सी कंट्री आगे? भाई हम इंडियंस को तो लगता है कि हम इंडियंस का चाय पीने के मामले में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2022 में हुए एक सर्वे के मुताबिक रेगुलर टी कंज्यूमिंग के मामले में तुर्की 2022 तक सबसे पहले नंबर की कंट्री रही, जहां हर 10 में से 9 लोग चाय के बड़े शौकीन हैं। सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ की चाय की बड़ी शौकीन है। इसके बाद केन्या एक ऐसी कंट्री रही जहाँ 83% तक लोग चाय के बेहद शौकीन माने जाते रहे हैं। इसके अलावा आयरलैंड, यूके जैसी और इवन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को भी चाय कंज्यूमिंग के मामले में अव्वल दर्जे में कंसिडर किया जाता है। वहीं इंडिया की टी कंज्यूमिंग में क्या पोजीशन है, तो बता दे कि ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन 64% ऑफ इंडियंस रोजाना चाय पीना पसंद करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भारत में कितने चाय के बागान यानी कि टी गार्डन्स है, ऐसे में या सारी की सारी चाय हम कंज्यूम ही करते हैं या एक्सपोर्ट भी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 टी एक्सपोर्टर्स कंट्रीज में से एक है। जो दुनिया भर में टी एक्सपोर्ट होती है उसमें टोटल 10% का कंट्रीब्यूशन इंडिया करता है अपने लेवल पर, और 2021 में इंडिया की तरफ से 687.9 मिलियन US डॉलर की टी एक्सपोर्ट की गई। यही नहीं, 2019 के वक्त इंडिया ने चाय के प्रोडक्शन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि ब्लैक टी, ग्रीन टी और व्हाइट टी सबको एक ही प्लांट से बनाया जाता है। साथ ही में चाय हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि चाय का बेस प्लांट कैमिलिया सिनेंसिस एक नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है। साथ ही में चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से दिमाग को ताजगी का एहसास होता है। लेकिन इंडिया में चाय को कुछ ज्यादा ही एक्सप्लॉइट किया गया है, क्योंकि जब भी कोई ओकेजन होता है हम इंडियंस चाय जरूर सर्व करते हैं। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तब भी चाय ही सर्व की जाती है, चाहे कितनी भी गर्मी या फिर सर्दी हो, हमारे घरों में चाय का प्रचलन हमेशा चलता रहता है। ये सब देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, और क्या चाय से पहले हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बेवरेज नहीं था जिसे हम अपने गेस्ट के सामने सर्व कर सकते थे। कुछ पुरानी मान्यताओं के मुताबिक इंडिया में चाय से पहले बेवरेज के तौर पर शरबत सर्व किया जाता था, जो कि हमारी वेदर कंडीशंस के साथ परफेक्टली फिट बैठता था। लेकिन बाद में फिजी, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडास के आने के बाद शरबत ने अपनी वो जगह खो दी। लेकिन वहीं पर कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा तो सर्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए चाय हम इंडियंस के लिए ऑलराउंडर ड्रिंक बन गई, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ चाय में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती है। लेकिन चाय को असली ऑलराउंडर बनाने में हाथ था इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग का, क्योंकि चाय वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ड्रिंक्स में से एक है हमारी कंट्री में। और इंडिया में आपको रेगुलर चाय की पत्ती 150 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल सकती है। इसे चाहे अमीर हो या गरीब कोई भी अफोर्ड कर सकता है। चाय के इतने ज्यादा अफोर्डेबल होने की वजह से कोई भी आराम से चाय का बिजनेस कर सकता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा चाय की टपरी का छोटा सा बिजनेस भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में चाय को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है, जिसे लेडीज और जेंट्स अपने फास्ट के दौरान भी कोई और चीज खाए ना खाए लेकिन चाय वो लेना जरूर प्रेफर करते हैं। वैसे इंडिया में इतने सालों में चाय को कोई बेवरेज छू भी नहीं पाया है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या कोई ऐसी ड्रिंक है जो कि इंडिया में चाय को आने वाले टाइम में मात दे सकती है? क्या कोई ड्रिंक चाय जितनी हेल्दी या टेस्टी हो सकती है?
कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए ताकि हम आने वाले वीडियोस में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो फिलहाल गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और खूब ज्ञानवर्धक लगा होगा। सो फिलहाल हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।